हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट अडेप्टेशन। अडेप्टेशन पार्ट ऑफ स्ट्रेस है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि स्ट्रेस के दौरान अपन कैसे अडेप्टेशन करते हैं। मतलब अडेप्टेशन का मतलब यहाँ पे है अनुकूलन। अनुकूलन को अपन हीमोस्टेसिस से समझ सकते हैं। जैसे कि अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अगर अपन 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में होता है, तब भी अपना टेम्परेचर होता है 37। अगर अपन माइनस के अंदर भी जाते हैं कहीं पे, जम्मू कश्मीर वगैरह इस साइड में जाएंगे, तब भी अपना टेम्परेचर होगा 37। ये ऐसा क्यों है? ये ह्यूमोस्टासिस के कारण है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपनी बॉडी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। जैसा इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है अपनी बॉडी, और उसको अडेप्ट कर लेती है और अपना बैलेंस नॉर्मल रखती है। अपनी बॉडी इंटरनल बैलेंस होता है वो नॉर्मल रखती है। तो वो यहीं पे उसी अनुकूलन की बात हो रही है, इसी अडेप्टेशन की बात हो रही है कि स्ट्रेस के दौरान बॉडी कैसे रिकवर करती है उस स्ट्रेस से। कि एकदम से आपके पास झटका लगा, इमोशनल झटका लगा, तो आपको उस टाइम पे बॉडी कैसे रिकवरिंग करवाती है, वही चीज़ अडेप्टेशन है यहाँ पे। तो अपन इसी की बात करेंगे। व्हेन पर्सन इन ए थ्रेटनिंग सिचुएशन इमीडिएट रिस्पॉन्स अकर दोज पर्सन आर ऑफ्टन इनवॉल्वेंट्री आर कॉल्ड कोपिंग रिस्पॉन्स। जब पर्सन थ्रेटनिंग कंडीशन में होता है, थ्रेटनिंग कंडीशन को अपन समझ सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन के रूप में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में होता है तब पर्सन इमीडिएटली रेस्पॉन्स करता है, और वो रेस्पॉन्स होता है वो इन्वॉल्वेंट्री रेस्पॉन्स होता है, मतलब अपना जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और उस टाइप के रेस्पॉन्स को अपन बोलते हैं कोपिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, बचाव के उपाय के लिए, बचाव के टाइम पर अपन जो एक्टिविटी करते हैं उसे कोपिंग रेस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो द चेंजेज दे टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पॉन्स टू ए स्ट्रेसर इज अडेप्टेशन। कोपिंग रेस्पॉन्स के दौरान आपकी बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं। अब मैं बात करूँ कि कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आई है ना, और आप वहाँ से कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, मतलब कोपिंग रेस्पॉन्स यूज कर रहे हो, आप वहाँ से भाग रहे हो, तो भागते टाइम आपके अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं। वो कोपिंग मैकेनिज्म आई है, कोपिंग रेस्पॉन्स आया, उसके दौरान भी कई हार्मोन रिलीज होते हैं। मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ, एड्रेनलिन का। तो एड्रेनलिन हार्मोन भी आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस करता है। मैं बात करूँ एब्डोमन की, या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम कर देता है। मैं बात करूँ आपकी कि रेस्पिरेटरी के अंदर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो डायलेट कर देता है, ब्रोंकस को डायलेट करता है, जिससे आपकी सांस नहीं भरती। इमरजेंसी कंडीशन होती है, तब देखा है कि आपने कि बैठ के वो कोई कहीं पे या तो टॉयलेट पास कर रहा हो कि भाई रुक जा, तू मैं भाग रहा हूँ, अभी दौड़ रहा हूँ, थक गया मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, ऐसी कंडीशन नहीं आती है। ना ही उसके सांस भरता है, वो बहुत लंबे टाइम तक दौड़ जाता है अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो ये चीज़ें एकदम से चेंजेज आते हैं, वो चेंजेज आए उन्हीं चीज़ों को बोला जाता है कि स्ट्रेसर के दौरान जो चेंजेस आते हैं उसे ही अडेप्टेशन कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे बॉडी ने अपने स्ट्रेसर के दौरान एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास इमरजेंसी कंडीशन है, उस चीज़ को अनुकूलन किया है, अनुकूल किया है, और फिर वो भागता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेती है बॉडी, और तभी ये सारी चीज़ें एक्टिव होती है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो कई बार आपने ये सा भी सुना होगा कि स्ट्रेस आया, मतलब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो डेथ भी हो जाती है। कई बार ये भी सुना होगा बच्चों के अंदर कि स्ट्रेस आता है, ये स्ट्रेस देते हैं अपन, तो बच्चों के अंदर टॉयलेट पास आउट हो जाता है, स्टूल पास आउट हो जाता है, ये सारी चीज़ें। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ होती है, अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो वो अडेप्टेशन हो गया, नॉर्मल अडेप्टेशन हो गया, अच्छा अडेप्टेशन हो गया। इसीलिए अपन अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं। जो अपने ये रेस्पॉन्स अपीयर हो रहे थे उनको 3 स्टेज के अंदर अपन ने डिवाइड किया है, और उन्हीं 3 जो रेस्पॉन्स है उनको अपन जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है, वो हैंस सेले ने दिया था, और इन्होंने ये जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम को ही अपन ने स्टेज या फेज के अंदर अपन बोल सकते हैं कि ये फेज है या स्टेज है। तो ये अडेप्टेशन की 3 स्टेज है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन अलार्म रिएक्शन स्टेज, देन सेकंड वन स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस, एंड थर्ड वन स्टेज ऑफ एग्जॉस्टन। ये स्टेजेज हैं उनको ग्राफ के थ्रू समझाया है। तो अलार्म स्टेज, रेसिस्टेंस स्टेज और आपकी एग्जॉस्टन स्टेज, तो इन तीनों को दिया गया है। तो इसके अंदर बताया गया कि स्ट्रेस जैसे भी आता है वैसे ही आपका लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, जो आपकी अडेप्टेशन लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो आप कैसे उसको रेसिस्ट कर पाते हो स्ट्रेस को, तो वो लेवल बताया गया है इसके अंदर। जिसमें अलार्म स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर ही एक तो आप कवर कर लेते हो, और देन फिर बाद में ये पीक लेवल पर चला जाता है। रेसिस्टेंट स्टेज के अंदर ये मेंटेन रहता है, या फिर लॉन्ग टाइम तक रह जाता है, तब रेसिस्टेंट स्टेज में आ जाता है। और जब स्ट्रेस आपका ख़त्म होने की कगार पे होता है, या फिर आप थक जाते हो उस स्ट्रेस से, या फिर कंप्लीट होने की कगार पे रहता है, या आपका डाउन वे में आने लगता है, आप रिसोल्व करने लग जाते हो उसको, तो वो आपका एग्जिस्टेंस के अंदर अपीयर आ जाता है आपका।
फर्स्ट स्टेज फर्स्ट रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं अलार्म रिएक्शन, तो इस स्टेज के अंदर होता क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द स्ट्रेस रेस्पॉन्स। तो स्ट्रेस रेस्पॉन्स के अंदर ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसके अंदर आपका रेस्पॉन्स देखने को मिलता है स्ट्रेस के लिए। तो इसके अंदर होता क्या है, तो दिस इज़ वेन द बॉडी एंड माइंड गो टू हाई अलर्ट। इसके अंदर होता यह है कि आपकी बॉडी और माइंड है ना वो हाई अलर्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्ट्रेस आता है तो सब कुछ एक्टिव हो जाता है, आपके बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव हो जाते हैं। दिस इज़ द फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स दैट प्रिपेयर्स टू बॉडी फॉर इमीडिएटली एक्शन। इसके अंदर होता ये है कि जो आपकी बॉडी होती है वो जो फर्स्ट रिएक्शन लेती है या तो वो भागने की या फिर उससे लड़ाई करने की, जो भी आपका रेस्पॉन्स आता है जो भी स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट या तो वो झगड़ेगी उसके विरुद्ध खड़ी रहेगी या फिर वहाँ से आपको स्किप करने के लिए बोलेगी। तो ये दोनों काम करती है, रेस्पॉन्स करता है ये, और आपकी या तो ये जो भी आती है रिएक्शन वो इमीडिएट रिएक्शन होती है, ठीक है, डिले नहीं होता है इसके अंदर। जैसे स्ट्रेस आया तो या तो आप भागोगे या फिर उससे आप लड़ोगे, तो ये इमीडिएट रिएक्शन होती है आपकी अलार्म स्टेज। फॉर एग्जांपल मसल्स टेंशन इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज ब्रीदिंग इंक्रीज स्टोमक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आती है आपकी अलार्म रिएक्शन के अंदर जब रेस्पॉन्स अपीयर होता है स्ट्रेस के अगेंस्ट, जो रेस्पॉन्स अपीयर होता है अलार्म स्टेज में उसके एग्जांपल है। तो इमीडिएटली जब भी स्ट्रेस आता है तब ये चीज़ें देखने को मिलती है, और आपको भी पता है कि स्टोमक एक्टिविटी हो जाती है, यूरिन पास आउट हो जाता है, कभी स्ट्रेस एकदम से आता है तो कईयों के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, एकदम से मर जाते हैं, मसल्स टेंशन कप कप आने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेस्पॉन्स हो गया आपका फर्स्ट वन जो अलार्म स्टेज के अंदर आता है। सेकंड वन पॉइंट, वंस द कोज ऑफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड द बॉडी विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेज। जब आपका स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाता है तो बॉडी है ना नॉर्मल जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके अंदर चली जाती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है अलार्म स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज है आपकी अलार्म स्टेज जिसके अंदर नॉर्मल आपका रिएक्शन होता है, जो मैंने बता दिया ये रिएक्शन हो गया ये एग्जांपल के तौर पे। लेकिन अगर आप उससे कवर अप कर लेते हो, उस स्ट्रेस से कवर कर लेते हो या वो रिमूव हो जाता है स्ट्रेस आपका, तो आपकी बॉडी नॉर्मल रेस्पॉन्स करने लग जाती है फिर से, ठीक है। सेकेंड स्टेज रेसिस्टेंस। फर्स्ट वन पॉइंट, इफ़ द कोज फॉर द स्ट्रेस इज नॉट रिमूव वन मूव ऑन द सेकेंड स्टेज कॉल्ड रेसिस्टेंस एंड अडेप्टेशन स्टेज। तो एक्चुअल में जो सेकेंड स्टेज होती है उसे ही अपन अडेप्टेशन स्टेज बोलते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहता है आपके लाइफ के अंदर लंबे टाइम तक रहेगा तो और वो रिमूव नहीं होगा तो आप उसकी आदत पड़ जाएगी, आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग अनुकूल हो जाती है, वो अडेप्ट कर लेती है उस स्ट्रेस को और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चलाती है, ठीक है। तो उसे रेसिस्टेंस स्टेज और अडेप्टेशन स्टेज बोलते हैं। इफ़ द कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर ये कंटिन्यू रहती है लॉन्ग टाइम तक, वन कैन सफ़र फ्रॉम फैटिक एंड इरिटेबिलिटी। तो अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो ये आपकी फैटिक मतलब थकावट करेगी और इरिटेबिलिटी अपीयर करेगी पेशेंट के अंदर, मतलब इरिटेट रहेगा हमेशा पेशेंट अगर स्ट्रेस रहता है उसके लॉन्ग टाइम तक तो इरिटेट रहता है। अपन ने फर्स्ट स्टेज पढ़ी जिसके अंदर अलार्म स्टेज बताई मैंने, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम अपीयर होता है तो बॉडी एक्टिव हो जाती है, माइंड एक्टिव हो जाता है, और मैंने ये भी बताया कि नॉर्मल जो रेस्पॉन्स आते हैं वो क्या होते हैं। अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहता है तो आपका सेकंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी शरीर को आदत पड़ जाती है, वो अडेप्टेशन के अंदर आ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी को चलाता है। और ऐसे पेशेंटों की खास बात ये होती है कि वो इरिटेट होते हैं हमेशा और फैटिक होते हैं। अपन थर्ड वन स्टेज की बात करते हैं जिसके अंदर आपका आता है स्टेज ऑफ एग्जिस्टेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट वन पॉइंट की बात करते हैं, इन द फाइनल स्टेज कॉल्ड एग्जिस्टेशन, इसका मतलब होता है थकावट, ऑल द बॉडी is unable to maintain normal functioning। अब normal जो अपन body होती है वो मान लो कि अपनी normal body के अंदर भी अगर heart rate 120 रहती है तो ठीक है, 130 140 हो गई तो वो chronic के अंदर चला गया। लेकिन अगर वो लंबे टाइम तक 130 140 150 मेंटेन ही रहती है तो आपको एक बार बॉडी भी आपकी थक जाती है, उसकी लाइफ लॉन्ग जो लाइफ सर्वाइविंग टाइम है वो भी कट जाता है, होता है ऐसा नॉर्मली। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहता है तो बॉडी भी थक जाती है उसके अगेंस्ट काम करती करती। तो एग्जिस्टेशन के अंदर वो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो मेंटेन नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ए पर्सन विथ ए स्ट्रेसफुल जॉब may experience long term stress which can lead to high blood pressure and eventual heart attack। तो इसके अंदर ये है कि अगर कोई पर्सन नॉर्मली आपका
जॉब करता है तो नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर लेता है, लेकिन अगर स्ट्रेसफुल लाइफ पे वो जॉब कर रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेस अपीयर होता है और वो लॉन्ग टाइम तक रेगुलर रहता है, ठीक है, तो आपकी अलार्म स्टेज भी आके चली जाती है, रेसिस्टेंस स्टेज भी आके चली जाती है, देन लास्ट वन स्टेज आती है, तब उसके अंदर होता क्या है, वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है या कोई सी भी डिजीज़ का शिकार हो जाता है। ऐसे पर्सन बहुत सारे डिजीजेज के शिकार होते हैं, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर कॉमन है इसके अंदर, कि स्ट्रेस जब भी आता है अगर लॉन्ग टाइम तक रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर ऐसे पेशेंटों के अंदर देखा जाता है, और अगर फिर भी वो कंट्रोल नहीं करता है तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी अपीयर हो जाती है और आदमी मर सकता है। तो अपन ने आज पढ़ लिया कि स्ट्रेस के दौरान जो स्ट्रेसर्स होते हैं उसके दौरान आपका क्या क्या रेस्पॉन्स आता है, तो ये तीन रेस्पॉन्स आते हैं और इसे ही अपन अडेप्टेशन। थैंक यू।